गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब 9C करवाई थी हमने वीडियो, अगली में जो जा चुकी है। अब हम 9D की बात करते हैं। उसमें तो एक्स और वाई वाले क्वेश्चन थे, इसमें आर और थीटा वाले हैं। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 9D। प्रश्नावली 9D है ये, और पेज भी लिख देते हैं। पेज 1, डेट कितनी है आज? डेट 4 है, 12/2020। और लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर है 37वां। ठीक है, ये तुम लोग, हम फोटो भेज देंगे ग्रुप में, उसमें नोट कर लेना और समझने पे ध्यान लगाना। जब अनुरेखण ही है, अनुरेखण जब वक्र ध्रुवीय रूप में हो, ध्रुवीय रूप में हो, ठीक है। ध्रुवीय रूप क्या है? आर बराबर ए इंटू वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। आर बराबर क्या है? ए इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये हमारा ध्रुवीय रूप है। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो हमारे पास में तीन चीज है। तीन चीज क्या क्या है? तीन चीज है सममिति, सममिति, जैसे उसमें भी होती थी सममिति पिछली एक्सरसाइज में। सममिति क्या होगा? थीटा की जगह हम क्या रख दें? थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आए, तो फिर कहाँ पर होगा ये? तो वक्र एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर सममित होगा। कहाँ पर सममित होगा? थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रख दे, नो चेंज, तो वक्र कहाँ पर सममित होगा? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष को हम प्रारंभिक रेखा भी कहते हैं, या प्रारंभिक रेखा। एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक रेखा। एक्स अक्ष पर सममित होगा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? ये तो थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर आया है, उसके बाद में क्या करेंगे? ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है? थीटा के स्थान पर, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर यदि वक्र कैसा है? अपरिवर्तित। यदि वक्र अपरिवर्तित है तो वक्र कहाँ पर? वाई अक्ष पर सममित होगा, वाई अक्ष पर सममित होगा, ठीक है। वक्र कहाँ पर सममित होगा? वाई अक्ष पर सममित होगा। कब होगा? थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा रखने पर यदि वक्र अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब क्या है? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आए वक्र में, तो वक्र कहाँ पर सममित होगा? वाई अक्ष पर। ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे पॉइंट। फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं? ध्रुव। क्या वक्र ध्रुव से जा रहा है? वक्र ध्रुव से जा रहा है क्या? उसके लिए क्या करेंगे? थीटा के किसी मान पर, ध्रुव का मतलब यहाँ मूल बिंदु से है, ध्रुव का मतलब किससे है? मूल बिंदु। ध्रुव कह दें या मूल बिंदु कह दें एक ही बात है, लेकिन आर थीटा होता है तो हम ध्रुव बोलते हैं उसे, एक्स वाई होते हैं तो मूल बिंदु बोलते हैं। थीटा, थीटा के किसी मान पर यदि आर का मान, आर है ये, आर का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है तो वक्र, वक्र कहाँ से? मूल बिंदु से। वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। वक्र कहाँ से गुजरेगा? मूल बिंदु से गुजरता है। कब? जब क्या हो? थीटा के स्थान पर, थीटा के स्थान पर, थीटा के किसी मान पर,
थीटा के किसी मान पर आर का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा, वक्र हमारा मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, फिर हम इसके कुछ बिंदु निकालेंगे, तीन ही पॉइंट हैं इसके, बिंदु बिंदु तथा क्षेत्र। ठीक है, बिंदु तथा क्षेत्र कैसे निकालेंगे, थीटा के मान रख रख कर, थीटा के मान रख रख कर आर के मान ज्ञात करें, आर के मान ज्ञात करें, कम से कम थीटा बराबर जीरो से थीटा बराबर 180, 180 का मतलब क्या है पाई, 180 का मतलब क्या होता है पाई रेडियन, कम से कम थीटा बराबर जीरो से थीटा बराबर 180 तक रखें। जो थीटा के मान हैं वो कहाँ से कहाँ तक रखने, कम से कम है ये, कम से कम थीटा बराबर जीरो से थीटा बराबर 180, इसको हम पाई भी कहते हैं, तक रखने। तो थीटा बराबर जीरो को हम जीरो ही कहते हैं रेडियन में, थीटा बराबर कितने को 30 को पाई बाई 6 कहते हैं, थीटा बराबर 45 को क्या कहते हैं पाई बाई 4, थीटा बराबर 60 को क्या कहते हैं पाई बाई 3, थीटा बराबर पाई बाई 2 को क्या कहते हैं, थीटा बराबर 90 को क्या कहते हैं पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमें थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, हम कभी कभी पाई बाई 6 पाई बाई 4 ऐसे भी लिख देते हैं, और हमें इसमें चांदे का उपयोग कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए किसका उपयोग करना है तुम्हें, चांदे का उपयोग करना है या फिर जनरली थोड़ा सा अनुमान लगा के हम कोण बना सकेंगे, हमें कोण बनाना है, कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो चांदे का उपयोग कर लो या फिर थोड़ा सा अंदाजे से देख लो कि हाँ इतना 45 अंश हो जाएगा, इतना 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, 9th D। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 9th D, इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं, इसका हम ए पार्ट ले रहे हैं, आर बराबर क्या है ए और 1 प्लस साइन थीटा, आर का मान क्या है ए 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आर का मान है, तो अब क्या करेंगे इसमें, अब पहले इसकी हम सममिति चेक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है सममिति, सममिति कैसे चेक करते हैं, थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं। सममिति के लिए हमारे पास में दो ही पॉइंट हैं केवल, उसमें तो कई पॉइंट थे एक्स वाई वाले में, यहाँ थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रख कर देखेंगे नो चेंज, तो एक्स अक्ष पर सममित है, थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखें और नो चेंज, अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज, तो वाई अक्ष पर सममित है। ठीक है, थीटा के किसी, फिर वो सममिति केवल ये दो पॉइंट है, तो हम थीटा की जगह पर एक बार माइनस थीटा रखते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर, थीटा के स्थान पर क्या रख रहे हैं माइनस थीटा, तो देखना साइन पर माइनस का प्रभाव पड़ता है, तो ये सब काम हमारा रफ है, ये सब काम हमारा क्या है रफ है, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर साइन माइनस थीटा हो जाएगा, हम थीटा की जगह माइनस थीटा रख रहे हैं तो साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें केवल वो देखना है जिसमें नो चेंज हो, अब हम थीटा के स्थान पर क्या रख कर देख लें पाई माइनस थीटा रख कर देख लेते हैं, थीटा के स्थान पर क्या रख कर देख लें अब पाई माइनस थीटा रखने पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख रहे हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, ये तुम्हें 10th में या फिर 11th 12th में पढ़ाए होंगे, ये साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और हम किसी दिन इसको विस्तार से बता देंगे पाई माइनस थीटा कैसे ये साइन थीटा आता है, तो फिलहाल हमारा क्या है साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नेक्स्ट,
तो देख रहे हैं कि हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने पर साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साइन थीटा ही रहा। यहाँ पर तो क्या था, माइनस थीटा रखने पर माइनस का साइन थीटा हो गया था, चेंज हो गया था, लेकिन पाई माइनस थीटा रखने पर ये नो चेंज है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सममिति में, ठीक है, सममिति में क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण कैसा है, अपरिवर्तित है। वक्र का समीकरण कैसा है, अपरिवर्तित है, नो चेंज। इसको हम क्या कह देते हैं, नो चेंज, ठीक है। वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वक्र कहाँ पर, वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर सममित है। वाई अक्ष पर क्यों सममित है, कि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखा हमने इसमें और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साइन थीटा की साइन थीटा ही आ गया, ठीक है। तो वक्र हमारा कहाँ पर सममित है, वाई अक्ष पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थीटा का कोई ऐसा मान है कि आर का मान जीरो हो जाए, उसके बाद हम ध्रुव निकालते हैं ना, ध्रुव को हम मूल बिंदु भी कहते हैं, ध्रुव निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, थीटा का कोई ऐसा मान देखेंगे कि इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसका मान जीरो हो जाए, आर का मान जीरो हो जाए। तो देखो थीटा की जगह हम पाई रख दें तो साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वन प्लस जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो पाएगा, आर का मान जीरो नहीं हो पाएगा। ऐसा मान सोचो कि थीटा का ऐसा मान रखें कि ये माइनस वन हो जाए, जिससे कि वन माइनस वन क्या हो जाए, जीरो। थीटा का ऐसा क्या मान रखें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, माइनस वन, ठीक है। तो साइन नब्बे का मान तो एक होता है, तो साइन 270 का मान क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। साइन 270 बराबर क्या होगा, माइनस वन। साइन 270 अलग से निकाल लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी, ठीक है, माइनस वन आएगी। तो इसलिए थीटा बराबर कितने पर, 270 पर, या हम थीटा की जगह 270 रख दें तो साइन 270 का मान माइनस वन और ये वन, फिर यहाँ माइनस वन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितने पर जीरो हो रहा है, 270 पर। थीटा बराबर 270 पर आर बराबर जीरो प्राप्त होता है, इसलिए वक्र क्या है, ध्रुव से गुजरता है। वक्र कहाँ से, ध्रुव यानी कि मूल बिंदु, ध्रुव से गुजरता है, ठीक है। वक्र कहाँ से गुजर रहा है, ध्रुव से। ये ध्रुव की बात हो गई, सममिति की बात कर चुके, अब हम निकालेंगे इसके बिंदु तथा क्षेत्र। अब बिंदुओं की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये हमारा पेज नंबर कितना है, 2 है, पेज 2। डेट कितनी है आज, 4/12/2020, और लेक्चर कौन सा है, ऊपर लिख लेते हैं, लेक्चर है कितना, 37। तो अब हम बात, हमारा तीसरा पॉइंट है कौन सा, बिंदु तथा क्षेत्र, ठीक है। अब हमें क्या निकालने, बिंदु और क्षेत्र, इसका कैसे निकालेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे उसमें बनाते थे हम टेबल। हम क्या करेंगे, टेबल में एक जगह थीटा के मान और एक जगह आर के मान, उसमें क्या था, एक जगह एक्स के मान और एक जगह वाई के मान। तो थीटा के मान स्वेच्छा से देखेंगे और ऐसे देखेंगे कि आर के मान की सही सी वैल्यू आ जाए थोड़ी, जो हम पहचान सके कि हाँ ये इतनी दूरी पर होगा। तो थीटा का मान हम पहले जीरो रख कर देख लेते हैं, तो पहले आर लिख लेते हैं। आर हमारा क्या था, प्रश्न था हमारा ए और वन प्लस साइन थीटा,
आर बराबर ए वन प्लस साइन थीटा था, थीटा की जगह जीरो लिख रहे हैं तो ये साइन जीरो हो गया। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो वन प्लस जीरो वन, वन का गुणा इसमें ए में करेंगे तो आर का मान बताओ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान हम और बढ़ाते हैं, थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 60 रखेंगे तो अंडर रूट में आएगा, 30 रखेंगे तो सही समान आ जाएगा, 30 साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो अब लिख देते हैं हम 30, थीटा का मान 30 लिख देते हैं तो साइन 30, तो यहाँ रफ में हल कर लेते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आर बराबर ए वन प्लस साइन 30, थीटा की जगह हमने 30 लिख दिया। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, आर बराबर ए वन प्लस साइन 30 का मान टेबल में 1/2 होता है, आर बराबर ए ये 3/2 हो गया, वन प्लस 1/2 कितने बराबर हो जाएगा, 3/2, तो ये हो गया हमारा 3a/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3a/2। ठीक है, नेक्स्ट अब 45 लिखेंगे तो सही सी वैल्यू नहीं आ पाएगी, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, अंडर रूट का झंझट पड़ेगा, 60 रखेंगे तो भी नहीं आ पाएगी वैल्यू, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो नेक्स्ट फिर क्या लिख लें, 90 लिख लेते हैं, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो 90 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a, साइन 90 का मान 1, 1 और 1 2, 2 का गुणा इसमें तो 2a हो गया। नेक्स्ट और बढ़ाते हैं, उसके बाद हम 180 लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक है, और बढ़ाते हैं हम, तब तक r का मान निकालेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। ठीक है, r का मान तब तक निकालेंगे जब तक r का मान क्या नहीं आ जाए, 0। तो नेक्स्ट और बढ़ाते हैं, फिर हम 270 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 270 पर r का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 270 पर r का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ के लिए फिर से वही तरीका, हम पेज को 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, अब पहले तो यहाँ एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस लिखते थे, अब नहीं लिखेंगे हम, ये हमारी रेखा कौन सी है, थीटा बराबर 0 वाली, ये रेखा कौन सी है, थीटा बराबर 90 वाली, ये रेखा कौन सी है, थीटा बराबर 180 वाली, ये रेखा कौन सी है, थीटा बराबर 270 वाली, और फिर घूमकर यहीं आ जाएं तो ये थीटा बराबर कौन सी है, 360 वाली। तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 360 एक ही जगह पर होते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर 0 यानी कि थीटा बराबर 0 यानी थीटा 0 कोण वाली रेखा पर हमें ए दूरी काटनी है, तो ये थीटा बराबर 0 वाली रेखा है, ये रेखा कौन सी है, थीटा बराबर 0 वाली, इस पर कितनी दूरी काटनी है, ए दूरी। तो इस पर ए दूरी हम यहाँ से काटेंगे मूल बिंदु से, मान लो ए दूरी यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है हमारी, ए दूरी है, ये हम ए लिख देते हैं इसी पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट अब थीटा बराबर 30 अंश वाली, अब यहाँ से थीटा बराबर 30 अंश वाली रेखा खींचनी है, तो या तो चांदे से खींच लो या फिर अनुमान से खींच लो। अनुमान से हमने मान लिया कि ये जो रेखा है ये कौन सी है, थीटा बराबर कौन सी, 30। ठीक है, कौन सी रेखा ये, थीटा बराबर 30 अंश वाली रेखा, लगभग ऐसी आएगी वो, चांदे से भी देखेंगे हम। तो थीटा बराबर 30 पर कितनी दूरी काटनी है, थीटा बराबर 30 पर हम देख रहे हैं कितनी दूरी काटनी है, r बराबर 3a/2 यानी a से ज़्यादा है, 1.5a है, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 a यानी a से आधा ज़्यादा, तो इस a से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ से ए से ज़्यादा दूरी मान लो करीब यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं थीटा बराबर 90 पर कितनी हो गई हमारी, 2a, थीटा बराबर 90 पर कितनी हो गई है, 2a, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थीटा बराबर 90 वाली रेखा को इस पर कितनी दूरी हो गई है, 2a, 2a मान लो इससे भी ज़्यादा है, वो मान लो करीब यहाँ पर है, ये हमारी कितनी है, 3a/2, और ये कितना है, 2a, 90 वाली रेखा पर कितनी दूरी काटनी है, 2a, a ये और 3a/2 ये और 2a ये। नेक्स्ट फिर कौन सी, फिर थीटा बराबर 180 वाली, 180 वाली पर कितनी काटनी है, ये रही थीटा बराबर 180 वाली रेखा, इस पर कितनी दूरी काटनी, a, मूल बिंदु से यहाँ से कितनी दूरी चलनी हमें, a, यानी इसी के बराबर, तो ये बिंदु करीब यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, फिर कौन सी है, फिर हमारी है कौन सी, थीटा बराबर 270, 270 वाली ये रही, थीटा बराबर 270 वाली ये है, तो इस पर कितनी दूरी है, आर बराबर जीरो, आर का मान जीरो यही हो जाएगा इसी जगह पर, तो हमारे बिंदु ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, फिर ये आया, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, इस बिंदु से यहाँ जाना तो सीधे सीधे तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा घूम कर जाएगा इस टाइप से, यो फिर इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु पर, और फिर इस बिंदु पर जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब ये यहाँ गया, तो हमें पता है कि जैसा सममित कहाँ पर है, ये वाई एक्स पर सममित है ना, हमारा कहाँ पर सममित आया था, ये देखो कहाँ पर सममित आया है, थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र नो चेंज, इसलिए कहाँ पर वाई एक्स पर सममित है। सममित होने का मतलब क्या है, एक जैसा ग्राफ, वाई एक्स के दोनों ओर एक जैसा ग्राफ, ये हमारा वाई एक्स है, जैसा इधर ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इधर होगा, तो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ से यहाँ आएगा इस टाइप से ए पर, और थोड़ा सा मुड़ते हुए यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अभीष्ट ग्राफ, इसको देखते हुए ऐसा ही बना दो सेम, थोड़ा इस बिंदु का ध्यान रख लेना कि भाई हमें इस बिंदु से गुजारना है, और थोड़ा सा और यहाँ होके ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभीष्ट आंसर है। तो इस टाइप से तुम्हें करने हैं, इसकी फ़ोटो हम भेज देंगे ग्रुप में, और अभी तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, हम और बताएंगे तब जाकर तुमसे हो पाएंगे ये। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में देखते हैं, आज इतना ही काम कर लेना फेयर में, और हम फोटो भेज देंगे इसकी जो भी आज करवाया है, रोज़ाना काम रोज़ाना कर लिया करें, नहीं तो काम बढ़ जाएगा।